व्लॉग मैं बनाता हूँ पर ये लोग मुझे बताते हैं ये कंटेंट अच्छा है, इसका फुटेज बनाओ और डालो, क्योंकि तूने इतनी भूख दिखा दी हमें लगता है आत्महत्या ना कर ले इसको, दे दो कंटेंट। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो टुडे वी आर इन कनॉट प्लेस नियर जैन चावल वाला, बट वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग फ्रॉम जैन चावल वाला, वी आर हैविंग दिस अमेजिंग लिट्टी चोखा जो मिलती है कुछ तो सरकारी वो है दिल्ली टूरिज्म के ऑफिसर्स के सामने, तो हम अक्सर कहते हैं भैया बंद कर दी दुकान, इन्होंने हमारे सामने खोली और हमारे साथ आज बहुत सारे दिग्गज लोग बैठे हैं। पहले बैठे हैं नितेश भाई, नितेश भाई को व्लॉग में देख चुके हैं। नितेश भाई 10 रुपए में देखिए कितना अच्छा लिट्टी चोखा, 10 रुपए नहीं है भाई, बहुत महंगी प्लेट है। और इस बंदे को हेल्प करने के लिए इसके अकाउंट में पैसा डाले? अरे नहीं भैया, थोड़ी ना मांगी थी गौरव से हेल्प, कहा गया गौरव। फिर क्या था, मेरे को व्लॉग मत लिया कर, ये व्लॉग खुलते इसके अंदर चुल मच जाता जोक मारने का। साथ में बैठे नितेश भाई, आपने नितेश भाई का वीडियो देखा होगा, ओली रामने वाली तुमने पहले क्यों ना बोली, और उसके बाद तो फिर कोई नहीं चला। उसके बाद ये प्रीतिश भाई, प्रीतिश नरूला, आप इनके वीडियो देख सकते हो। साथ में प्रत्युष स्पेशली और गौरव गुप्ता, क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्लॉग ऑडियंस से? प्रत्युष फर्स्ट टाइम इन माय व्लॉग, थोड़ी देर में कहेंगे मन नहीं करा मेरा। बोला भैया को पता है मुझे क्यों लेके आया यहाँ पे? क्यों? कपूर को मुझसे 20,000 रुपए लेने हैं, हमें घर निकलना था, ओपन माइक के बाद आराम जाता जान उसके मार्केट में लेके आया है, एटीएम कहीं देखेंगे 20,000 का लिट्टी चोखा पड़ा है आपको? नहीं, अरे नहीं लेने, पैसों का भूखा है आदमी। अरे नहीं लेने भाई, मैंने एक बार बोला है, प्रत्युष ने मुझे बोला था सुबह, प्रत्युष एक्चुअली प्रत्युष ने नहीं लिया था मेरे से, किसी और ऑर्गेनाइजर से प्रत्युष लाया था, तो प्रत्युष बोला कि थोड़े खर्च हो गए, मुझे लगा थोड़े मतलब 3-4 हजार, 250-300 खर्च दिए होंगे, साला 5,000-20,000 रुपया खर्च दिया यार पेमेंट पे, खर्चे एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है, हो जाता है पता नहीं कहाँ खर्च रहा है, पर ठीक है ये बहुत स्वाद। इधर मैं आपको दिखाता हूँ लिट्टी चोखा, रात को भैया ने बढ़ाती हुई दुकान हमारे सामने। और अजय, अजय कैसे मिस, अजय ले लो ब्लॉग में ना, आज नहीं आज तो खाते खाते ले, ये लिट्टी आई है हमारे सामने। ओए होए भाई साहब, क्या मैं तो खा रहा हूँ, हैं इसी में तो खा रहा हूँ मैं थोड़ी, नहीं सही हो रही ना भाई, बना दो है मीठा, ठीक ठीक और भी आ रहे 2-3 लोग। दोस्तों अभी एक बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था ये लिट्टी चोखा खाते टाइम, कि सबने पैसे देने के लिए ऐसे आ गया है कि पता नहीं सारे अमीर यही बैठे हमारे साथ, और वो मूवमेंट मेरे से मिस हो गया, बहुत अच्छा था, तो मैं इनको बोला दोबारा करने को। ओके गाइस, रीटेक करेंगे थोड़ा व्लॉग के लिए, क्या उनको बुला ले मैंने, किसके लिए? वो जो 4 गंजेड़ी बैठे उन्हें बुला ले भाई, यहाँ पे गांजे की 3 बार खुशबू आ चुकी है आस पास से यार, एक बार दोबारा करो ना वो वाला मूवमेंट पैसे वाला, तो तुम सब पेटीएम से करो भैया, अच्छा लगता है ना व्लॉग में, हम झूठ बोल रहे थे कि हम पैसे दे, वो मन से आता है यार, वो किसी इंसान के तरह वाली मार यार भैया, अच्छा लगता है थोड़ा व्लॉग की ऑडियंस को, नहीं पता ना मन से आया कि नहीं, वो मैं तुम्हारा पैसा तुम्हारी मैं कोई नहीं बड़ा भाई, मैं आप गाइस आपको रिहा, किधर है भैया एरिया का नाम? हनुमान मंदिर के सामने ना, हनुमान मंदिर। इन भैया की बहुत अगली, गौरव वासन फूड ब्लॉगर है भैया, बहुत थैंक यू आपने हमारे लिए खोला दोस्तों। तो देखिए कितना मेहनती बच्चा, और जैसे आप देख सकते हैं भाई, क्या उम्र है आपकी? 18 साल की उम्र में भाई कितनी मेहनत करके कर रहे हैं, आप इनको सपोर्ट कीजिए, सब कुछ करिए, और ये बाबा की तरह बिल्कुल नहीं करेंगे, गौरव थोड़ी ना आया था हम नहीं थे गौरव के पास भैया, वो देखे हमने उसे बुलाया ही नहीं, हमने मांगी ही नहीं, गौरव कहाँ आया और जो है आपने रिश्तेदारों का नंबर दे दिया, आपने भाई बहन का नंबर दे दिया, सारा पैसा गोल करके बैठे हैं भैया, ये दोनों नंबर पेटीएम पे है दोस्तों, ये रहा इनका कोड, अगर आपको इनको भेजना है तो डायरेक्टली नहीं भेजिए, हमारे अकाउंट में कोई कुछ नहीं भेजेगा, वैसे भेजने की जरूरत है, मोटी पार्टी भैया स्कूटी वूटी पे सब घूम रहे पूरा माल वाल लेकर के, सही है भैया बहुत मजा आया, चाय एक और ठंडा हो रहा है, चाय किसका था कोई तो पी भाई, मेरा था शायद, ले ले, सब लोग यहाँ पे मजे मार रहे हैं, जिंदगी का असली जो आनंद लिया है ये देखिए प्रत्युष, तुम साला लड़ो झगड़ो, प्रत्युष ब्राह्मण भोज कर रहा है, ब्राह्मण था यार, पितरों के लिए नहीं, मेरे को तो फ्री में भी पढ़ा है, पितरों को शांत कराने के लिए ब्राह्मण भोज खिलाते हैं प्रत्युष भाई, 2 प्लेट चिटका करके पाँव चुके दे दो उसके, ठीक से छुओ, सही है भाई, आज बनाया व्लॉग नेचुरल एकदम, मजा आ गया, अजय ने भी नहीं मना नहीं करा आज व्लॉग में, अजय ओपन माइकर में, सही है दोस्तों चलो। ओके गाइस, ये इसीलिए लेके आया लिट्टी चोखा, पता है भाई मैं नहीं लाया, भगवान कैसा मेरे को प्रत्युष ने दिलाया, व्लॉग बन सकता है गाइस, देखिए आप हमेशा किस तरह इस तरह के जाओ, हमेशा डस्टबिन में सब सामान डालो, विच इज वेरी गुड, ऐसे हमेशा करना चाहिए, चलो दोस्तों व्लॉग के चक्कर में सब लोग उठा रहे हैं,
सब सराले छोड़ के जाने वाले थे ब्लॉग के चक्कर में। मैं तो खा रहा था अभी। प्रीतिश भाई मजा आया? वासन रोते देखा था हमने टीवी पे। और हंसते हुए भैया का ब्लॉग। भैया तेरे को पता है आज ही सारा सामान पैक करके अपने गांव वापस जाने वाले थे कि यहाँ लिट्टी चोखा की दुकान चली और उसी समय हम भैया को बचाने के लिए दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। और भांग से भी तगड़ा नशा ही है ये सत्तू भाई। ये सत्तू का इनके और कुछ पराठे वराठे बनाते हैं उसको। सत्तू है भाई सत्तू। लिट्टी जो खाए उसके अंदर डाल। अच्छा लिट्टी के अंदर यही रहती है। अगर किसी ने इसकी फोन की मार दी ना इसका नशा नहीं उतरेगा। बारह मसाला डाला हुआ है। हैं हाँ इसका मसाला बारह मसाला हाथ का अपना हाथ का मसाला ये वाला हाथ का जो मसाला निकलता है ना हाथ का जो मसाला वही है वही से स्वाद आ रहा है हाथ के मसाले का। भैया आपने हाथ का मसाला डाल दिया इसमें। भैया ने मसाला ऐसे ही डाला। नहीं नहीं एकदम बहुत साफ सुथरा मस्त है बहुत बढ़िया है यहाँ पे। चलो भैया धन्यवाद बहुत मजा आया। भाई थोड़ा इधर आओ ना फोटो लेनी सबकी। क्या यार इधर ना भैया थोड़ा लाइट मारना इधर से मारना जरा एक लाइट। वही तो कह रहे थे फ्लैश दे दे। हिंदुस्तानी खाना मैदे को पीछे पछाड़ता मैगी कोई औकात नहीं यहाँ पर। अरे भैया ने अचार भी उठा लिया अपना पीछे देख ले। सही है सही है दोस्तों जितना इसमें थंबनेल आ गया आ गया। खड़े हो ना सीधा प्रत्युष कलर थोड़ा भैया थोड़ा फ्लैश इधर मारो। दोस्तों किसी ब्लॉगर के यहाँ पे आना तो भैया के पास लाइट भी है यहाँ। क्या चीज भैया क्या भाई भैया हाँ यहाँ से मारो। अरे ये सही आया। अरे मस्त भाई भाई हमारे लाइट भी ले आए। अच्छा बोलना मैं कह रहा इतनी लाइट तो अमेज़न प्राइम में नहीं थी। अरे बाप रे भैया इधर देखो सामने का चीज भैया बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं वो गोवा में स्कूटी किराए पे देता हूँ। लिट्टी चोखा खाने के बाद अभी हम आ गए हैं इधर और कैमरा वॉर चल रही है यहाँ गुप्ता और प्रीतिश नूरुल्ला और मेरे कैमरा के बीच भी कि आईफोन बेटर है कि कौन सा है तेरा। सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा। नोट 20 अल्ट्रा। और प्रीतिश भाई तुम्हारा कौन सा है? 10i। 10i कौन सा है? MI 10। तो प्रीतिश को तो पहली बार करते हम पहली बार। प्रीतिश एक सेकंड दोस्तों आप बताना तू प्रीतिश की फोटो दिखा डाली है तू लिट्टी चोखे पहली बार हो गया इस रेस से। एक फोटो अरे भाई अरे भाई साहब बिना वेटर के ले लो तो सेक्सी लगेंगे। कौन सा भाई? भाई मैं अपने फोन से खींची भी डालू वो डालो आप भाई मैं अपने फोन से खींची भी डालूंगा वो भी अच्छी होगी। फिर आप लोग जिंदगी के मजे तो प्रत्युष के हैं क्योंकि प्रत्युष कह रहे चलो भाई मेरी तो चार अच्छी फोटो आई गई अपना हो गया थोड़ा एंगेजमेंट का काम मजे भी हो शराब भी हो जाती तो दो मेरे फोन में एक चीज आ रही है बाकियों के फोन में नहीं आ रही हैप्पीनेस भाई दोस्तों कोई भी बंदियां प्रत्युष पे अगर फिदा है तो मैं बता दूं कि बताना है कि नहीं प्रत्युष शादी शुदा रात में जीप कटेगी तुम्हारी पहले बता दो इसकी दो बीवी है। यहाँ फैमिली रेस्टोरेंट में आकर के पूरा बदतमीजी। आशीष भाई थोड़ा ऑकवर्ड होते क्या कर रहे हैं ये गुप्ता आप देख रहे हो उसके फोन से और अच्छी फोटो कैसी आएगी। जहाँ गुप्ता को पेमेंट की बात आती है चुप देख रहा है भाई गुप्ता तेरे से इतना सब कुछ बोल रहा था। गुप्ता इतना बोल रहा था ना दो मिनट में चुप हो गया क्योंकि शो की पेमेंट आ रही है भाई साहब पैसे की बात रहने मैं हार गया। मुझे लगता है अगर दोस्तों को इंसान 20,000 नहीं छोड़ सकता है तो वो इंसान ही घटिया है। भाई मैंने तो नहीं बोला भाई एक बार भी नहीं बोला मैंने। यार आप भी अच्छे लग रहे हो इसमें दिखाइयो भाई ओए यार नहीं बापे ओ भाई भाई दिखाइयो जरा गुप्ता तेरा फोन दो भाई फोटो से गाइस ये हैंडसम गुप्ता जीत गया चाहे मेरे मेरे एक शो की पेमेंट गुप्ता की। इसमें बाल भी ज्यादा लग रहा है वैसे भाई ज्यादा ही है भाई माथे पे जो ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन है वो भी साफ आ रहा है। साउथ मुंबई का करते हैं जो बैंगलोर के गुड लुकिंग लड़के नहीं होते ये सेंटेंस पूरा ना करता जो केटीएम पे घूमते हैं व्लॉग मैं बनाता हूं पर ये लोग मुझे बताते हैं ये कंटेंट अच्छा है इसका फुटेज बना हुआ डालो क्योंकि तूने इतनी भूख दिखा दी हमें लगता है आत्महत्या ना कर ले इसको दे दो कंटेंट। ये देखो दोस्तों ये आया है सैंडोज का मलाई टिक्का। ओए होए बहुत सही आ रहा भाई देखो ऐसे अगरबत्ती खुशबू नहीं आती जैसे दूसरा मामला ये क्या भैया भट्टी का मुर्गा भट्टी चिकन तगड़ा मामला रखा आज और ये चटनी
ये देखो कौन है गौरव कपूर, मैंने इसे बोला था आज प्लीज मेरे साथ टाइम स्पेंड कर, ये मुझे छोड़ के अपने दोस्तों के साथ गया और अब ये आया और अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी और इसे आ रही है बहुत जोर से पॉटी, अब मैं लूंगी बदला। दरवाजा खोलो यार, अब मजाक मत करो यार, ये व्लॉग में नहीं डालोगे आप? ये मैं डालूंगी, तू भी तो डालता है मेरा कितना गंदा गंदा। ठीक है डाल देना, पर दरवाजा तो खोलो ना, पीछे का जा रहे हो। बट तू क्यों दिन भर गायब है? चले जाऊंगा।